दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉब कार्ड या नरेगा कार्ड के विषय में। बहुत से ऐसे यूजर हैं जो नहीं जानते कि जॉब कार्ड के कितने फायदे हैं। मैं आपको बताऊंगा आज के साथ साथ जॉब कार्ड के फायदे क्या हैं और आप इसे किस तरीके से बनवा सकते हैं, इसके बनवाने का प्रोसीजर क्या है। कुछ स्टेट में ऑनलाइन बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अब नरेगा कार्ड आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, खुद से मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अभी सभी जगह स्टेट स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में हुआ है। तो मैं पूरा डिटेल के साथ बात करूंगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बता दूंगा जहां जहां स्टार्ट हुआ है, साथ साथ ऑफलाइन भी प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप जॉब कार्ड बनवा भी सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जॉब कार्ड के मैं थोड़े से फायदे गिना देता हूँ कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जॉब कार्ड पता होगा सरकार आपको 100 दिनों का रोजगार देती है, गारंटी देती है, साथ साथ आप एक ऐसे कैटेगरी में आ जाते हैं जिससे सरकार बेनिफिट लगातार प्रदान करती रहती देती रहती है। तो जॉब कार्ड के बहुत सारे फायदे आप जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो इसे बनवाने का जो प्रोसीजर है वो देखिएगा, अभी फिलहाल गोवा स्टेट में स्टार्ट हुआ है, गोवा में वहाँ पे ऑनलाइन बना सकते हैं आप। ऑफलाइन तरीका वहाँ पर नहीं, वहाँ ऑनलाइन बना सकते हैं। और अगर अन्य राज्यों से आप बिलोंग करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं भी बिलोंग करते हैं तो आपको ऑफलाइन ही बनवाना होगा। ऑफलाइन कहाँ से बनेगा, ऑफलाइन बनवाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, मैं तो आपको एक फॉर्म बता सकता हूँ कि उस फॉर्म को भर कर आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन जॉब कार्ड बनवाने के लिए आप अपने जो भी आपका सचिव होता है उससे मिलिएगा, जो सचिव होता है उससे मिलिएगा, या जो मनरेगा अधिकारी आप क्या नियुक्त किया गया जो काम वगैरह कराते हैं नरेगा के, आप उनसे मिलिएगा या ग्राम प्रधान से मिलिएगा। तो वो क्या होता है, वो उनका कांटेक्ट रहता है और वो फॉर्म वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, भरकर आपको जमा करना होता है और आपका नरेगा जॉब कार्ड कुछ दिनों में बन जाता है। मुख्यतः आप अपना सेक्रेटरी से मिलिएगा, जो सचिव होते हैं उनसे मिलिएगा, आपका नरेगा जॉब कार्ड बना दिया जाएगा। और जो मैंने ऑनलाइन तरीका बताया वो भी आप बताएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको भविष्य में कभी न कभी काम ही आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन तरीके की तरफ ले चलते हैं, कैसे बनवाना होता है ऑनलाइन जॉब कार्ड। तो जैसे आप देखिएगा उमंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आप देख सकते हो उमंग एक ऐसी वेबसाइट, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जा रही सभी आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाती है। तो आप यहाँ पर आते तो आपको एक बैनर दिखता है, देखिएगा यहाँ पर स्लाइडर भी लगा है, ये बिंदी है या तो बिंदी पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत सारी यहाँ पर डिटेल मिलती है। तो तीसरे वाली बिंदी पर यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, अप्लाई ट्रैक एंड डाउनलोड मनरेगा जॉब कार्ड ऑन उमंग इन सिंपल एंड इजी स्टेप। तो यहाँ अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ रहा है, ट्रैक करने का भी आ रहा है, डाउनलोड करने के भी आ रहा है मनरेगा जॉब कार्ड का। तो आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है या आप इसे नए टैब पर भी ओपन कर सकते हैं। मैं नए टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तो अब जैसे नए टैब पर ओपन करते हैं तो आपसे यहाँ पर इसी पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगता है। अगर आप पहली बार आए तो पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्टर हेयर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, आपके ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालकर आइए एग्री कर देना है और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको लॉग इन वाले पोर्शन पर आना है। आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर प्लस एमपिन जो बनाया है, या आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी के थ्रू, सिंपल होता है, इस पर क्लिक करूंगा, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर यहाँ पर लॉग इन कर लूंगा। आप देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, अगर पहली बार आएंगे तो आपको प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट करनी होगी, डिटेल वगैरह डालनी होगी। अगर आप डाल लेते हैं इसके बाद आपको फिर से बैनर दिखेगा तो आपको फिर से वही तीसरे वाले बैनर पर जाना है और आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो मेरा ये दिखेगा कुछ बैक हो गया है, तो मैं फिर से आपको अप्लाई ट्रैक का ऑप्शन मिलता है तो उस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, अप्लाई फॉर जॉब कार्ड, डाउनलोड जॉब कार्ड, ट्रैक जॉब कार्ड, FAQ। तो आपको अप्लाई फॉर, क्योंकि नया अप्लाई करना है, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर जॉब कार्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जब आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर दो सेक्शन मिलते हैं, एक जनरल डिटेल का, एक एप्लीकेंट डिटेल का, दोनों आपको फिल करनी होगी। तो जनरल डिटेल में पहले फिल करना है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, ये केवल एक स्टेट के लिए ही स्टार्ट हुआ। देख सकते हैं दिस सर्विस इज करंटली अवेलेबल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा ओनली, फॉर अदर स्टेट द सर्विस विल बी अवेलेबल सून। अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो जल्द ही सर्विस आने वाली है, अभी आपको इंतजार करना होगा। केवल अभी गोवा के लिए स्टार्ट हुई है। तो गोवा के अगर आप यूजर हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालना होगा, सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, OBC, SC, ST क्या है वो, इसके बाद नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली का डालना होगा,
फादर नेम या हस्बैंड नेम डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जैसे कि गोवा, इसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी पड़ता हो वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लॉक आपका जो भी पड़ता है वो सिलेक्ट करना है, पंचायत नेम आपको सिलेक्ट करनी है और अपने विलेज का नाम है सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप एप्लीकेंट डिटेल वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जिसके नाम आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका जॉब कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसका एज अ आधार एज पर आधार आपको यहाँ पर उसका नाम डालना है, उसका जेंडर सिलेक्ट करना है, उसकी एज सिलेक्ट करनी है, डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी, मतलब कि अगर वो विकलांग होगा तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, रिलेशन विद हेड ऑफ द फैमिली, जो आपने स्टार्टिंग में हेड ऑफ फैमिली की डिटेल भरी उससे आपका रिलेशन क्या है वो भरना होगा। इसके बाद आपको फिर से आना होगा नीचे और यहाँ अपलोड फोटो, एक आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा 55 KB का, और यहाँ पर अपलोड करने के बाद जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगी अप्लाई फॉर जॉब कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप कोई और भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर कोई दूसरे का भी अप्लाई कर सकते हैं या देख सकते हैं, एक साथ आप मल्टीपल भी डिटेल डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया, अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करेंगे आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जब आपके पास रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा तब आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं, आप ट्रैक पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी रेफरेंस नंबर मिला है वो यहाँ पर डालकर ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर ट्रैक का स्टेटस दिखा देगा कि आपका जॉब कार्ड कहाँ तक पहुंचा है, कितना बना है। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो फिर आपको वहीं आना होगा और यहाँ आपको एक डाउनलोड का सेक्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको फिर से यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर से पूछा जाता है आप किसके माध्यम से जॉब कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, रेफरेंस नंबर से या जॉब कार्ड नंबर से। तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना होगा और आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना होगा और डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से जॉब कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा मेथड था जो मैंने आपको बता दिया जॉब कार्ड अप्लाई करने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और मैं आपको लगातार ही सलाह देता हूं कि आप ऐसे चैनलों से बिल्कुल सावधान रहें जो आपको फेक न्यूज़ देते हों। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक से करके हमें सपोर्ट किया करिएगा और साथ साथ चैनल से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ पर ही आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक मिलने वाली है लगातार अपडेट में। मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ और आप लोगों से रूबरू होऊंगा, आपके जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उन्हें मैं लगातार क्लियर करता रहूँगा। तो अभी भी अगर कोई डाउट्स है जॉब कार्ड बनवाने से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।